पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 854 बीटीसी एवं टीटी उत्तीर्णीय शिक्षार्थियों का परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद का नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में महाराजगंज के 57, देवरिया के 252, कुशीनगर के 90, बस्ती के 215, सिद्धार्थनगर के 52, बहराइच के 40, अम्बेडकर नगर के 18 तथा सुल्तानपुर के 50 प्रशिक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने नियुक्त शिक्षकों को कर्तव्य प्राणयंता तथा स्वच्छता मिशन की शपथ भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 12,460 प्रशिक्षार्थी अध्यापक पद के लिए संघर्षरत थे। वैश्विक शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में उनकी प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई और इनकी दक्षता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। हमने इनको नियुक्ति पत्र इसलिए दिया कि ये योग्य थे और हमें योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्त शिक्षक संकल्प लें कि वे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत शिक्षा नौनिहालों को देंगे। प्रदेश की वैश्विक शिक्षा, बाल विकास, पुष्टाहार, राजस्व एवं वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। नियुक्त सभी शिक्षक संकल्पबद्ध होकर कार्य करें ताकि नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिले। धन्यवाद ज्ञापन वैश्विक शिक्षा निर्देशक सवेंद्र विक्रम ने दिया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, शीतल पांडे, कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडी वैश्विक जे एन सिंह उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आदित्यनाथ जी महाराज जी दीक्षा भवन सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, जिला विशिष्ट शिक्षा महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्पकलिका का था। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती बता गोरखपुर में रहते हुए बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर वचनबद्ध है और प्रयासरत है। हमारा मानना है किसी राष्ट्र की सकल पूंजी उस देश के बच्चे होते हैं, और अगर उस देश का बच्चा सुशिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र प्रगति करता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान है वो है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग।
उनकी चिंता का आप अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो माननीय सांसदगण हो, माननीय विधायकगण हो, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हो और यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हो, मैंने तो पत्र लिखा भी अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रमों से भी माननीय जी ने एक एक व्यक्ति को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनसे बड़ा ही विनम्र और बड़ा ही भावपूर्ण आग्रह करने का काम किया है। ये छोटा सा उदाहरण इस बात का परिचायक है कि कैसे वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौनिहाल आगे बढ़े, बढ़कर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का नाम न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान कर सके। प्रथम आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं। क्या आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? आप सबके जीवन के लिए एक अद्भुत क्षण होना चाहिए। एक संकल्प का दिवस होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, एक योग्य योजक के रूप में आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, जिससे हम सब यहां पर उपस्थित हैं। पहली बार हो रहा है जब नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी होने के पहले उनके बीच में संबोधन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल की। वास्तव में आप सब भटक रहे थे। न्यायालय के आदेश के बाद आप सब की स्थिति त्रिसंग जैसी हो गई। मुझे जानकारी मिली कि बीटीसी टीटी पास अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने अपनी मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री का घर घेरा हुआ है। तो वास्तव में मैंने स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या इनकी समस्या है, क्योंकि मैंने हर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं पहले से कि किसी भी फाइल को लटकाने की आदत से भी बाहर जाएं और जिस समस्या का समाधान होना है उसका तत्काल समाधान करते बिना राग द्वेष के उसमें तत्काल निर्णय लेते हैं। उसके बाद मैंने स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री से कहा, मैंने कहा कि उसमें से जो लड़के मिलना चाहती है, क्योंकि बातचीत 1000-1200 लोगों से नहीं हो सकती, लेकिन उनके प्रतिनिधि 5-7 जो लोग होंगे उन लोगों को लेकर के आप आइए, अपर मुख्य सचिव को और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को लेकर के आए और उन्हें लेकर के एक बार मेरे सामने वो बैठे। आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो सकता हो? और बातचीत में बातचीत होने के बाद मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे लोगों के सामने अवसर था। वह एक ऐसा क्षण था जो एक शब्द से उनके जीवन में एक नया सवेरा भी हो सकता है और एक अंधेरा भी आ सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, नया सवेरा लाना है और इसमें कुछ भी देर किए जाने की आवश्यकता नहीं। अगर न्यायालय ने हमारे ऊपर सौंपा है और सुप्रीम कोर्ट कहता है योग्य शिक्षक चाहिए,
तो इनसे योग्य दूसरा नहीं है, क्योंकि बीटीसी के हैं, यूपी पास के हैं, सब स्थानीय योग्यता रखते हैं, हमारी तो वही आवश्यकता है। और इसलिए इन 12,400 से अधिक सभी नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी करें, हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमारी आवश्यकता अच्छे शिक्षकों की है, और उनको नियुक्ति पत्र देकर के अगर हम उस नौजवान की ऊर्जा का उपयोग इस प्रदेश के निर्माण में लगाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं आपके चेहरे पर उस खुशी को देख रहा हूं। चार सौ से अधिक आपकी संख्या है, उसकी शुरुआत आज यहां पर हो रही है। आज यहां पर 854 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन जितने 12,400 से अधिक सभी नौजवान उस कैटेगरी में आते हैं, इन सब में हर एक को हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे और उन लोगों की सेवाओं का उपयोग प्रदेश के विकास में, प्रदेश के छात्रों के भविष्य को बनाने में लेंगे। और 5,500 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हम 27 मई को, क्योंकि अब न्यायालय की कोई भी उसमें बाधा नहीं रही, तो 27 मई को हम उसकी भर्ती की परीक्षा प्रारंभ करेंगे। और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमको 68,500 और अतिरिक्त शिक्षक प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के उन्नयन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कहीं कमी रह गई है उसकी पूर्ति करने में हम उनको भी प्रदेश में लेकर के आएंगे। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, हम लोगों ने पिछले वर्ष जब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति को हम लोग इससे पहले देखते थे, बड़ी सोचनीय स्थिति होती थी। हम लोग कहीं जाते थे, देखते थे कि बच्चे तो स्कूल में आते हैं लेकिन शिक्षक नहीं रहते थे, क्या बीतती होगी उस बच्चे पर, कैसा भविष्य चाहते हैं हम अपने बच्चों का, कैसा भविष्य चाहते हैं हम अपने समाज का, और कैसा भविष्य चाहते हैं अपने राष्ट्र का। और उसको देख करके मुझे बड़ी खिन्नता होती थी, देख करके आश्चर्य होता था। मैं एक बार मार्च का अंत, अप्रैल का प्रथम सप्ताह रहा होगा, एक सांसद के रूप में गोरखपुर में निकल रहा था, कुछ क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं घटित हुई थी। मैं निकल रहा था, तब तक मैं देखा एक स्कूल के बाहर बच्चे वहां पर बाहर खेल रहे थे, एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में लोग खेल रहे थे पानी के साथ। ये स्कूल के अंदर मैं देखा था कि दो अध्यापिकाएं थी, एक अध्यापक बैठे हुए थे, पांच छह अन्य बच्चे वहां बैठे हुए थे। गाड़ी रोकने के बाद मैंने उन बच्चों को बुलाया जो वहां पर छोटा सा तालाब था उसमें खेल रहे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम लोग स्कूल नहीं गए, तो कोई जवाब नहीं दिए। मैंने कहा क्यों स्कूल नहीं जाते, तो जाएंगे थोड़ी दूर पर स्कूल था, सफाई था, लगभग मैं पैदल ही स्कूल में गया। मैंने वहां शिक्षकों से कहा, मैंने कभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इन बच्चों को स्कूल में आने के लिए कहते कितना अच्छा होता। अप्रैल का महीना था, लेकिन मैं देख रहा था कि वहां पर भी एक महिला अध्यापक, तब भी अप्रैल में स्वेटर ढूंढने का काम कर रही है। स्वेटर का काम तो नवंबर दिसंबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, लेकिन अप्रैल में स्वेटर ढूंढने का काम हो रहा था। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कभी देखिए क्या कर रहे हैं आप, अगर इन बच्चों को
स्कूल बनाने के लिए आप तीन शिक्षक यहाँ पर हैं। गांव की प्रबंध समिति के साथ बैठ करके ग्राम प्रधान और उनके सहयोग के साथ बैठ करके योजना आप बनाए होते हैं। स्कूल 7 बजे खुलना है तो हम 6:30 बजे ही चले जाएंगे और 6:30 बजे चल करके केवल एक राउंड गांव का लगा दें और एक एक घंटा होने के सभी बच्चे स्कूल आएंगे या महीने में एक बार दो बार गांव के लोगों के साथ अभिभावकों के साथ बैठ जाए कहने की हर बच्चे को स्कूल भेजना है तो स्थिति नहीं कि कोई बच्चा स्कूल जाने से बच जाए। और इसलिए पिछले वर्ष हम लोगों ने जुलाई में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बहुत अच्छे परिणाम है। उसका परिणाम था संख्या बढ़ी, 1,54,00,000 से अधिक बच्चे देसी शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़े, 1,54,00,000 से अधिक बच्चों के प्रवेश के साथ उन बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, उन्हें बैग दिया, उन्हें बुक्स उपलब्ध कराई गई, उनके दोनों जूते मोजे भी उपलब्ध कराए गए, स्वेटर भी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। एक वर्ष में इतना कार्य देसी शिक्षा परिषद में करने के साथ साथ हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस बात की अपील की थी कि हर अधिकारी हर जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लें और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,500 से अधिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में देसी शिक्षा परिषद का इंतजाम बनाने में सफलता मिली। बहुत सारे विद्यालयों को तो विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकों ने ही अपनी मेहनत से आदर्श विद्यालय बनाया। बहुत सारे लगभग हर जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो आज के दिन पर आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसे थे कि जिनके बारे में जानकारी थी 16-17 तक, मात्र 17 तक स्थिति थी कि कब ये बंद हो जाए और आज उन्हीं विद्यालयों में संख्या का मैं देखता हूं किसी में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 360 बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी कभी मैं मीडिया के माध्यम से भी देखता हूं उन आदर्श विद्यालयों के बारे में कि कितने अच्छे ढंग से विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सचमुच वे प्रधानाचार्य और वे अध्यापक भी धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं जिन्होंने वे आदर्श विद्यालय के लिए पहल अपने यहां शुरू की। लेकिन हम लोगों ने जो पहल की 2,500 से अधिक ऐसे विद्यालय स्थापित हुए पूरे प्रदेश के अंदर, जब हम लोगों ने बच्चों को जूते मोजे दिए, मैं देखता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नंगे पैर विद्यालय जाते थे। मैं अक्सर जब अपने संसदीय क्षेत्र में निकलता था मैं देखता था हम बच्चों को आते हुए जाते थे। हम लोगों ने कहा क्या ये हो सकता है कि हम बच्चों को जूता मोजा दे सके। बेसिक शिक्षा परिषद ने व्यवस्था की, हर एक बच्चे को जूते मोजे उपलब्ध करवाए गए। जूता मोजा उपलब्ध होने के बाद सर्दियों में स्वेटर वेलन दिलाने की कार्रवाई भी हुई, वो अलग विषय है, लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना भी की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जूते फट गए, स्वाभाविक रूप से जूता पहनने का तो फटेगा नहीं, लेकिन एक बार हम भी जानते थे कि बच्चे जूते पहनेंगे तो जूता जल्दी फटेगा भी, लेकिन उसको 1 साल की गारंटी भी मिलनी चाहिए। हर एक जूते को 1 साल की गारंटी के साथ हम लोगों ने बच्चों को बैठ करके जो एक कमेटी वहां गठित करके उसके माध्यम से संचालन करना है उस पाकिस्तान को लेकर के वह अबोध बालक है। जैसी शिक्षा और जैसा संस्कार आप लोग उन बच्चों को देंगे वो वैसे ही नागरिक बनेगा और उस जिससे उन बच्चों को बताने की आवश्यकता, उनके भावों को बताने की आवश्यकता कि बच्चे को अगर 7 बजे विद्यालय है तो कम से कम 5:30 बजे उसका जागरण करवा दीजिए, 5 बजे जागरण करवा दीजिए, उसको तैयार करवाइए, स्नान कराइए, फिर विद्यालय में भेजने की व्यवस्था करिए। विद्यालय में आए तो विद्यालय में शिक्षक भी अगर थोड़ी रुचि ले लेंगे और बच्चों को इस बारे में अवगत करा देंगे, प्यार से समझा देंगे कि साफ सफाई से ये लाभ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, उनको समझने में और पूरा दिनचर्या उनकी अच्छी बनी रहेगी,
कितना परिवर्तन आप ला सकते हैं। मुझे लगता है आपने जितने लोग होंगे हर एक ने अपनी बेसिक शिक्षा जब अर्जित की होगी, हर एक को विद्यालय में किस प्रकार के संस्कार मिले थे, अगर आपको मिले थे तो आप फिर उन बच्चों को क्यों नहीं दे सकते। मुझे लगता है इसकी शुरुआत होनी चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए 100 दिन की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता पड़ती उसी क्षण उसका संकल्प लेकर उसको लागू कर दीजिए और उसको लागू करने की आवश्यकता बताने की आवश्यकता है। जब जूते मोजे दिए तो कुछ बच्चों से कुछ अभिभावकों से मैंने मुलाकात की थी। मैं गया था बुंदेलखंड में भी गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह को भावों से मैंने बात की। तो उसमें से एक अभिभावक तो बड़े भोले मन से बोला कि जो हमारा लड़का तो सुबह जूता पहन लेता तो फिर रात को सोने के साथ ही उसका जूता उतर पाता है, बताना पड़ेगा। तो उस बेचारे को उस मालूम नहीं, अवोध है, अगर हम उसको बताएंगे नहीं कैसे होगा। हमने दो यूनिफॉर्म इसीलिए उपलब्ध करवाने के लिए कहा कि एक यूनिफॉर्म गंदी हो जाए तो दूसरी पहन लेगा। हम अभिभावक से भी कहें कि एक जोड़ा घर में कपड़ा अलग से उसके लिए बनाने की व्यवस्था करें, जिससे जैसे घर आए स्कूल यूनिफॉर्म उतार करके रख दें, घर के कपड़ों को पहन करके फिर वो खेले कूदे, उसकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी रहेगी। बच्चे अगर साफ सुथरे यूनिफॉर्म में अच्छे जूतों में जब स्कूल आएंगे अच्छा लगेगा, वह भी अपने आप को किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने को किसी प्रतिस्पर्धा में पाएगा, क्योंकि उस प्रकार का पाठ्यक्रम इस वर्ष से हम लोगों ने इसके सामने लागू कर दिया है और यह भी एक स्थिति है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को भी कहा अभी भी बेसिक शिक्षा परिषद ने बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा, हम लोगों ने कई जगह इस बात को देखा। अब जूते सब बच्चों को एक जैसे मिल गए, काले रंग के सबके जूते हैं, नए बच्चे जो बच्चे हैं वो पहचान भी नहीं पाते कौन सा जूता उसका है, तो आपस में लड़ते रहे लड़के। हम लोगों ने कहा कि फर्नीचर लगाने की व्यवस्था करो, जैसे मुझे विधायक निधि का पैसा मिला तो मैंने विधायक निधि का सारा पैसा गोरखपुर महानगर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में मैंने इस पैसे का उपयोग वहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में फर्नीचर लगाने में इसका उपयोग कर दो, जिससे बच्चे भी बैठ सके फर्नीचर पर और बैठ करके फिर अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए अपने आप को भी तय कर सके कि हाँ मैं भी किसी प्रतिस्पर्धा के योग्य हूं, उसके मन में कोई हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वह देश का नागरिक है, देश का भाग्य लिखा है। अगर उसके मन में अभी से हीन भावना पैदा होगी कैसे हम जो सपने देख रहे हैं जो संकल्प हैं संकल्पों को पूरा कैसे कर पाएंगे। और इससे तमाम जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की, मुझे प्रसन्नता है तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में रुचि ली, अपनी विधायक निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसा या अन्य जगहों से तमाम व्यापारिक संगठनों ने, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने इस मामले में सहयोग करना प्रारंभ किया। और मैंने दो कारण के लिए, मैंने कहा एक बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में फर्नीचर के सांसद निधि का पहला पैसा गोरखपुर में दे दो, उसके बाद विधायक निधि का पहला पैसा गोरखपुर में दो, फिर उसके बाद अन्य जनपदों में भी हम मिलवाएंगे, साथ साथ वहां पर अच्छा टॉयलेट हो, साफ सुथरा टॉयलेट हो, इसके लिए उसमें टायर्स लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, सफाई के लिए हम प्रेरित कर सके। मुझे लगता है आप में जितने लोग होंगे, जितने हम लोग यहां पर हैं, अधिकतर लोगों ने कभी भी अपने विद्यालय में कभी सफाई कर्मी नहीं देखा होगा, सफाई कर्मी की नियुक्ति होती भी नहीं थी, सभी छात्र सभी शिक्षक मिलकर के सफाई के कार्य को स्वयं वहां करते थे, स्वयं संपन्न करते थे और अपना कार्य स्वयं करने में किसी प्रकार की कोई श्रम महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे ये जो गौरव की बात होनी चाहिए कि हम स्वावलंबन का प्रतीक है, हम अपना कार्य स्वयं ही करें और हम प्रेरित करें स्वच्छता के प्रति, हर एक को करें स्वयं भी और अपने साथ पूरे परिवार को उसके साथ जोड़ने का कार्य करें। इसलिए टॉयलेट अलग अलग बने, साफ सुथरे हो, इसकी व्यवस्था देखना, बाउंड्री वॉल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की बन सके इसके लिए भी हम लोग धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां पर बिजली नहीं, पहले तो बिजली हर विद्यालय में देने की व्यवस्था हो रही है,
जहां पर नहीं वहां पर सोलर पैनल हम लोग लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे वहां पर विद्युत के संकट से भी मुक्ति मिल सके। लेकिन संकल्प आपका होना चाहिए कि नियमित स्कूल जाएंगे और सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए कि हम जहां भी हमें सरकार भेजेगी वहां पर पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं शिक्षा जगत को देंगे या आप में से हर एक व्यक्ति का संकल्प होना। यानी जो जिले विकास के सामान्य सूचकांक में बहुत पीछे पायदान पर हैं, बहुत पीछे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में और भी अन्य जो महत्वपूर्ण बाल विकास का है, महिलाओं के यानी कुपोषण से मुक्ति का है, इन सभी उस पर आप देखेंगे तो बहुत पीछे जनपद हैं और उनमें से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के भी हैं। 8 जनपद सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, फिर चंदौली है, सोनभद्र है, चित्रकूट है और फतेहपुर है। ये 8 जिले हैं और मैं अपील करूंगा आप में से अधिकतर शिक्षक पहले चरण में वहां जाने की तैयारी करें, उन विद्यालयों की स्थिति को सुधार करके उस चैलेंज का मुकाबला करने को अपने आप को तैयार करें, कहें कि नहीं हम जाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में उस जनपद को अन्य सामान्य जनपदों की तुलना में आगे बढ़ाएंगे। अतिरिक्त समय देकर के वहां पर जितना विद्यालय का समय है उस समय में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो अतिरिक्त समय बचेगा हम साक्षरता के मिशन में अन्य लोगों के बीच जाकर के इस कार्यक्रम को करेंगे। ये कार्यक्रम अगर आप कर देंगे सचमुच आप वरण हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे समाज के लिए। एक योग्य शिक्षक के रूप में आपको समाज याद करेगा, स्मरण करेगा और इस विषय उस पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के दिन पर हम देखते हैं उन जनपदों में शिक्षक कम, चिकित्सक कम, विकास के अन्य जो मानवीय सूचकांक है उनमें काफी पीछे में चल रहे हैं। उसको आगे करने के लिए पहले मूलभूत इकाई शिक्षा से प्रारंभ होती है और मुझे लगता है आप में से अधिकतर शिक्षा कलम क्षेत्रों में जाने की तैयारी करें, स्वयं अपने अनुसार मांगे ऑप्शन कि हम पहले वहां जाएंगे, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, बेहतर परिणाम सामने आ जाएंगे। बनाइए अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय, तैयारी करिए थोड़ा उन विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने की, अपने पुरुषार्थ का परिचय दीजिए, अपनी प्रतिभा अपनी ऊर्जा का उपयोग करिए और अगर आप इसको कर देंगे सचमुच बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप नए हैं इसलिए आपसे उम्मीद ये है और इसलिए जब ये बात सामने आई थी, जब ये नौजवान मेरे सामने बातचीत करने के लिए आए थे, मैंने एक झटके में कहा था, वहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री भी थी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा भी थे, शिक्षा के निदेशक भी थे। मैंने उन लोगों से कहा कि हमारी आवश्यकता क्या, हमें शिक्षक लेने हैं, हमें योग्य शिक्षक चाहिए और योग्य शिक्षक इससे ज्यादा योग्यता क्या हो सकती जो इनके पास है, कुछ नहीं, तत्काल नहीं करिए इनको, तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करिए और नए जारी मत करने के साथ ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो, इनकी ट्रेनिंग हो, इनके कार्यक्रम पूरे हो और इनको फील्ड में भेजा जाए। ये लोग क्या है, एक तरफ हमारे पास योग्य लोग हैं, दूसरी तरफ शिक्षक नहीं, हम योग्यों को समय नहीं दे रहे हैं, उनको अवसर नहीं दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और कम से कम हमारे आने के बाद तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और भाइयों बहनों में इसी बात को लेकर क्या करते हैं, ये भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आपको भी इस मामले में अपना योगदान देना होगा, संकीर्णता से उठना होगा, एक आदर्श शिक्षक के रूप में उस भूमिका के साथ में कि आप इस राष्ट्र के योग्य योजक हैं और उस योग्य योजक के रूप में, योग्य निर्माता के रूप में अपनी उस भूमिका का निर्माण करने के लिए जब आप आ गए, आगे बढ़ गए, सचमुच शिक्षा के प्रति लोगों के मन में पिछले 20-25 वर्षों के दौरान जो धारणा पैदा हुई है उस धारणा को मिटा सकते हैं, एक नई धारणा अपना बहुत पवित्र धारणा लोगों के मन में पैदा करने में सफल हो सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि 12,460 से अधिक जिन शिक्षकों की आज नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, पहले चरण में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहल प्रारंभ हुई है, आप सभी लोग इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे, उस स्थिति में मैं आप सबका आह्वान इस अवसर पर करूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे प्रदेश के नौजवानों के लिए वास्तव में भटक रहा न्यायालय का फैसला बहुत स्पष्ट नहीं था, यानी स्थिति अगर कुछ और होती मैं यही सोच रहा था कि अगर हम लोग नहीं होते कोई और होता तो इनके ऊपर तलवार हमेशा रखती रहती। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अगर हमें योग्य शिक्षक चाहिए, हमें रखने ही हैं, तो 12,400 की गिनती क्यों नहीं हो सकती, और सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करवा करके मुझे लगता है एक महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हुई है, आज से एक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस अवसर पर आप सबको, आज मंगलवार भी है तो आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र को एक बार पुनः पूरे देश के अंदर स्थापित करने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी प्रदेश रहा है। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में, तो मैं जब वहां जाता था, वहां देखता था, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक वहां भी रहते थे, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के शिक्षक, छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के शिक्षक, 25 वर्षों में लगातार गिरावट आई है। एक बार पुनः बेसिक शिक्षा परिषद को आज के अवसर पर हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12,400 से अधिक नौजवानों के भविष्य को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया है, और इन सभी नौजवानों को जो यहां पर आज अपना नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, ये सब शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाने में सफल होंगे, छात्रों को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने और प्रदेश के साक्षरता के प्रतिशत को आगे बढ़ाने में सफल होंगे, और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा 12,400 से अधिक नवोदित शिक्षकों के साथ ही 18,500 से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति हम इस वर्ष के अंत तक करने में सफल हो जाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। मंत्री महोदय के द्वारा उनकी कर कमलों से आपका ये आपका है का नाम है खुशबू सिंह दीपक त्रिपाठी आंदोलन नहीं करना, दीपक त्रिपाठी बस्सी, जया सिंह बस्सी, रुचि गुप्ता बस्सी, उपासना पांडे कुशीनगर, संजय शुक्ला कुशीनगर, ब्रजेश राय कुशीनगर, कीर्ति दुबे महाराजगंज, विपिन ओझा महाराजगंज, ब्रजेश कुमार महाराजगंज,
प्रशांत सिंह अम्बेडकर नगर, अलका सिंह अम्बेडकर नगर, आफरी अम्बेडकर नगर, मिथिलेश पांडे सुल्तानपुर, त्रिवेंद्र सिंह सुल्तानपुर, एवं अंतिम नाम अवधराज सुल्तानपुर। मैं यह शपथ लेता हूँ कि विद्यालय के बाहर भी सदैव शिक्षा और शपथ लेता हूँ कि हर बच्चे को शिक्षित करूंगा और उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रहार करते हुए उनको समाज से दूर करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि नन्हे नन्हे बच्चों का विषयों में बनाऊंगा कि आगे चलकर देश को एक उच्च शिखर पर पहुंचाए। भारत माता की जय। अब आप सभी जो विद्यालय परिसर को बल्कि आप जिस घर में रहते हैं उसके आसपास मोहल्ले में उसके आसपास की परिवेश को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में आपका योगदान उसमें मिलना चाहिए। यह संकल्प आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं किसी को करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ दे रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे में इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री पाके दिया थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। एक साल बाद सीएम सेंट से मिला तो
बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से, हाथ नीचे कर दो यार, इंडिया टीवी कौन है यार, ऊपर मुंह लगा दो, चार बज गया। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से आज 12,460 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास बेसिक शिक्षा के 1,69,000 से अधिक विद्यालय हैं। उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह शिक्षकों की कमी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा मित्रों के बारे में दिए गए फैसले के बाद, शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 12,400 से अधिक इन शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है बेसिक शिक्षा में योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की पहली खेप मैं उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 68,500 अन्य शिक्षकों के लिए 27 मई को भर्ती की परीक्षा संपन्न होगी और यथाशीघ्र हम उसको भी देंगे। शिक्षा किसी भी समाज का आधार है। एक योग्य शिक्षक एक राष्ट्र का एक योग्य योजक होता है। मुझे लगता है इस दिश से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शी तरीके से करने की व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है, इसके बाद सार्थक परिणाम आएंगे और प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ इस देश को प्राप्त होगा।